हेलो एवरीवन, गुड मॉर्निंग। स्वागत है सभी का ऑनलाइन स्टडियो में। तो कल होमवर्क हमने टेलीग्राम पर डाल दिए थे, उम्मीद करते हैं कि आप लोगों ने अपना होमवर्क कंप्लीट कर लिया होगा। तो इस वीडियो में हम लोग पूछने वाले हैं सबसे पहले बिहार करंट अफेयर्स, तो शुरू करते हैं। कल आपको करीब 6 पेज दिए गए थे, यहाँ पे जो भी इम्पोर्टेंट इसमें होगा हम इसको पूछते चलेंगे। चलिए सबसे पहला प्रश्न है कि गांधी मैदान में आयोजित गणतंत्र दिवस 2022 समारोह में किस झांकी को पहला स्थान मिला था? बिहार शिक्षा परिषद। बिहार शिक्षा परियोजना परिषद बिल्कुल सही आंसर है। और दूसरा पुरस्कार मिला था इसको श्रम उपेंद्र महारथी शिल्प अनुसंधान संस्थान को। चलिए इसके बाद अगला बताइए कि बिहार का पहला मॉडल फ्लोरिकल्चर सेंटर किस जिले में बनाया जाएगा? नालंदा। नेक्स्ट वन है कि पिछड़े वर्गों के लिए राज्य आयोग का अध्यक्ष किसको बनाया गया है? ये तो बता रहा है संजय कुमार। अगला है कि बिहार के किस जिले में देश स्तर पर नेशनल वाटर अवार्ड 2020 श्रेणी में प्रथम स्थान मिला है? पूर्वी चंपारण। सारण जिले के किस व्यक्ति को माखनलाल चतुर्वेदी राष्ट्रीय पत्रकारिता अवार्ड से सम्मानित किया गया है? अमरेंद्र कुमार आर्य। और अमरेश कुमार तिवारी कैमूर जिले के हैं, जो कि धान के भूसी से 900 स्क्वायर फीट रंगोली बनाए। तो इंडिया बुक ऑफ रिकॉर्ड्स में नाम दर्ज किया। चलिए इसके बाद अगला है ऑपरेशन कुकरी का संबंध किससे है? बिहार के हाँ सेना था मतलब बिहार के उप मुख्यमंत्री तारकेश्वर प्रसाद द्वारा सेना दिवस के अवसर पर हिंदी विमोचन किया गया इस पुस्तक का कोई। चलिए अगला बताइए किस जिले को विकास के सभी क्षेत्रों में समग्र रूप से बेहतर कार्य के लिए अव्वल स्थान मिला है? किसको जाना है यहाँ पे? खगड़िया। बिहार में स्मार्ट मीटर लगाने पर बिजली बिल में कितने परसेंट छूट देने का निर्णय है? 2%। ग्वारीडी किस जिले में है? कोसी नदी। इसके बाद है कि किस जिले के मुरादपुर पंचायत से जलकुंभी से जैविक खाद उर्वरक कोयला और पशु चारे बनाने का ट्रायल कार्य शुरू हुआ है? सहरसा। जलकुंभी 100% कलेक्ट्रेट जिला बना है सहरसा। चलिए अगला बताइए कि बिहार का पहला आर्किड पार्क पटना ट्रैफिक जो कि ट्रैफिक पार्क पटने में। राज्य का पहला फायर ब्रिगेड ट्रेनिंग इंस्टीट्यूट बीटा। लगभग 11,000 पौधों की मां के रूप में प्रसिद्ध ललिता देवी का संबंध किस जिले से है? पश्चिमी चंपारण। लौरिया। अगला वह है कि पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन में बेहतर कार्य के लिए प्रधानमंत्री पुरस्कार 2020 से किसको सम्मानित किया गया? बिल्कुल सही, आनंद किशोर को। बिहार संग्रहालय दिवस 7 अगस्त को। बिहारी पुरस्कार 2021 मधुकंकरिया। जो इनका उपन्यास था हम यहाँ थे, तो ये किस के संघर्ष पर आधारित झारखंड बिल्कुल सही, झारखंड में आदिवासियों के संघर्ष पर आधारित था। चलिए इसके बाद ये बताइए कि बिहार सरकार ने किस वर्ष तक बिजली की कुल खपत में 10% सोलर ऊर्जा लक्ष्य निर्धारित किया है? 23 तक। चलिए अगला बताइए कि कोयले का विशाल भंडार किस जिले में मिला है? भागलपुर के कहलगांव में। और कहलगांव जो बिजली संयंत्र है इसको स्वर्ण शक्ति अवार्ड भी दिया गया इस बार। बताइए पटना के किस स्थान में पेट्रोकेमिकल टेक्नोलॉजी संस्था की स्थापना की जाएगी? पटना के किस स्थान बेटा में। बहुत अच्छा। हाल ही में हुई घोषणा के अनुसार डुगेश्वरी पर्वत पर भगवान बुद्ध और फल्गु नदी में भगवान विष्णु की विशालकाय मूर्ति स्थापित की जाएगी? डुगेश्वरी पर्वत याद रहेगा, ऐसे पूछा जाएगा कि डुगेश्वरी पर्वत किस जिले में है, तो बिहार के गया है। पीएम मित्र पार्क कहाँ पर निर्माण किया जा रहा है? पश्चिमी चंपारण जिले में, वाल्मीकि नगर में। अच्छा,
बिहार के पश्चिमी चंपारण जिले के वाल्मीकि नगर में राज्य का पहला टेक्सटाइल मैत्री पार्क निर्माण किया जाएगा, जिसका नाम रखा गया है पीएम मित्र पार्क। गंगा म्यूजियम कहाँ बनेगा? पटना में। पटना में शिल्पकला म्यूजियम? पटना में। पटना में। चलिए इसके बाद आगे बताइए कि भारत में पहली बार वैश्विक बौद्ध सम्मेलन की मेजबानी कहाँ किया गया? वैशाली। नालंदा में। नालंदा में। और कुंडलपुर महोत्सव कहाँ मनाया गया? कुंडलपुर। नालंदा में। नालंदा में। नालंदा में। मैथिली भाषा है तो बाल साहित्य पुरस्कार 2021 किसको मिला है? बता रहे हैं अनुपम रुदे। अनमोल झा। और अगर यही कहा जाए कि मैथिली भाषा में बाल साहित्य पुरस्कार 2022 किसको मिला है? डॉक्टर वीरेंद्र करके नाम है, वीरेंद्र। और उनका पुस्तक का नाम का मतलब कविता संग्रह है उड़न छू के लिए। ये बाल था, लेकिन अगर मैथिली भाषा में सिर्फ कहा जाए तो अजीत अहमद करके कुछ है, अजीत अहमद, वो ध्यान रखिएगा। चलिए अगला प्रश्न है कि द बुक ऑफ बिहारी लिटरेचर किसको मिला है? पुस्तक है अभय कुमार द बुक ऑफ बिहारी लिटरेचर, अभय कुमार। जून 2022 की स्थिति के अनुसार बिहार मछली उत्पादन में कौन सा स्थान रखता है? चौथा। मछली उत्पादन चौथा। अगले आप देखिए किस संस्था द्वारा काउंटर ड्रोन सिस्टम का आविष्कार किया गया है? आईआईटी पटना। अगर कोई इससे मदद मिलेगा कि जो बिना अधिकार के लिए बिना पूछे आप उड़ा रहे हैं ड्रोन, तो उनको पता चलेगा कि हाँ कोई बिना हमारी इजाजत के बगैर ड्रोन उड़ा रहा है, तो मदद मिलेगी। 100% हर घर नल का जल पहुंचाने वाला पहला जिला? अरवल। बिहार के किस जिले में बरुड़ बेवरेज लिमिटेड यानी पेप्सी प्लांट है, बॉटलिंग का काम यहाँ स्टार्ट होगा? बेगूसराय। तो इसके बाद है कि वेलवा डैम प्रोजेक्ट किस जिले से संबंधित है? वेलवा डैम प्रोजेक्ट सिवहर। देश का पहला पशु विज्ञान विश्वविद्यालय कहाँ बनेगा? पटना। पशु विज्ञान विश्वविद्यालय पटना में। बिहार को पूर्ण साक्षर बनाने का लक्ष्य कब तक? 50 सबको एडमिशन लड़वाएगा। बिहार में पूर्ण साक्षर मतलब 100% कह रहा है बनाने के लिए, तो हम बोले भाई पहले एवरेस्ट तक का आओ, मजाक था ये। चलिए अगला है, वर्ष 2022-23 के लिए बजट किस तारीख को प्रस्तुत हुआ? 28 फरवरी। बहुत बढ़िया, 28 फरवरी 2022। अब तक का सबसे बड़ा बजट था ये। कुल व्यय का अनुमान 93। सात निश्चय 2 योजना के अंतर्गत कुल बजट का प्रावधान 5000 करोड़। गाँव के विकास पर कुल कितना लगभग? कुल बजट का लगभग कितना? आधा। गाँव के विकास पर आधा। मुख्यमंत्री श्री नीतीश कुमार ने राजगीर में जू सफारी का उद्घाटन किया है, कब? 16 फरवरी। बहुत अच्छा, 16 फरवरी 2022 को। 16 फरवरी 2022 को। हाल ही में चर्चा में रहा साइक्लोपियन वाल का संबंध किस जिले से है? नालंदा। राजगीर में। और ये किस पहाड़ी के चारों ओर है? साइक्लोपियन दीवार है किस पहाड़ी के? पंच पहाड़ियों के चारों तरफ है, पंच पहाड़ियों। बिहार राज्य का पहला पेपरलेस कलेक्ट्रेट कौन बना है? सहरसा। दूसरा बना है दरभंगा। सकीबुल गनी का संबंध किस जिले से? मोतिहारी से। और दूसरा पेपरलेस कलेक्ट्रेट कौन बना है? दरभंगा। अगला देखिए प्रश्न है, उस दिन आया था सेट में, उत्तर बिहार में पाए जाने वाले किस बतख को नेशनल ब्यूरो एनिमल जेनेटिक्स रिसोर्स करनाल में नाम दर्ज कराया गया? मैथिली बतख। रुकिए, क्वेश्चन सुनिए। मैथिली बतख। बिहार के किस जिले में 33 सीएनजी स्टेशन बनेगा? पटना में। 33 सीएनजी स्टेशन पटना में। जल जीवन हरियाली योजना में बेहतर काम के किस जिले कि 80 किलोमीटर धनौती नदी में गाद हटाकर इसे फिर से जीवित कर दिया गया? पूर्वी चंपारण। ऐसे पूछा जा सकता है कि जो धनौती नदी है किस जिले में? पूर्वी चंपारण। अगला बताइए कि देश का सबसे बड़ा जूट और नेचुरल फाइबर पार्क कहाँ बनाया जाएगा? पूर्णिया में। और
पहला पंचायत है जिसमें सभी पंचायतों में लाइब्रेरी बना है। वाल्मीकि टाइगर रिजर्व में पिछले 3 सालों में कितने बाघों की संख्या बढ़ी है? डेढ़ गुना। अभी ये सर सब दिया अभी हो जाएगी। हाल ही में महाबोधि मंदिर में दलाई लामा आए थे, कब आए थे? 22 दिसंबर 2022। अगला बताइए कि लोहिया स्वच्छ बिहार मिशन के तहत राज्य का पहला टॉयलेट क्लिनिक कहाँ खुलेगा? मुजफ्फरपुर के कुडनी में। टॉयलेट क्लिनिक, टॉयलेट क्लिनिक, क्लिनिक पंचायत में नहीं चल रहा है, सब ठेला लेंगे लोहिया। चलिए अगला बताइए, मुख्यमंत्री श्री नीतीश कुमार ने स्वैच्छिक रक्तदाता स्मार्ट कार्ड का शुभारंभ कब से किया? फरवरी में किया है, 14 दिसंबर 2021 को। और स्वैच्छिक रक्तदाता स्मार्ट कार्ड बनाने वाला देश का पहला राज्य बन गया है, यानी कि आप स्वेच्छा से रक्त का दान करते हैं तो आपको एक स्मार्ट कार्ड मिलेगा। चलिए अगला बताइए कि मुख्यमंत्री श्री नीतीश कुमार ने 17 दिसंबर 2021 को किस जिले के जयनगर में कमला नदी पर एक बैराज का निर्माण कार्य शुभारंभ किया है? मधुबनी। अगला बताइए कि बिहार का इकलौता जीनोम सीक्वेंसिंग लैब की शुरुआत कहां पर की गई है? पटना में। वन कुछ करके था ना वहां पे जो लैब बनाया गया था। अगला बताइए कि बिहार राज्य किस राज्य में बिहार के तर्ज पर भूमि सर्वेक्षण किया जाएगा? आंध्र प्रदेश। डिजिटल साक्षरता में प्रथम स्थान किस जिले को मिला है? डिजिटल साक्षरता में मधुबनी को। बहुत अच्छा। घर बैठे खेती के गुण सीखने के लिए विकसित किया गया ऐप का नाम बिहान है। किस जिले के बच्चों ने हवा की नमी से पानी बनाने का प्रोजेक्ट बनाया है? गया जिले के। युवा कौशल विकास में शीर्ष स्थान किस जिले का रहा? युवा बेगूसराय। भारत वन स्थिति रिपोर्ट 2021 के अनुसार बिहार में भौगोलिक क्षेत्र का कितना प्रतिशत वन आवरण है? 7.84%। स्मार्ट सिटी रैंकिंग में बिहार का कौन सा जिला प्रथम स्थान पर है? भागलपुर। राष्ट्रीय स्तर पर 42वां स्थान है और पटना का स्थान 80वां है। स्मार्ट इसके बाद किस जिले में स्वरोजगार ऐप को लॉन्च किया गया? स्वरोजगार ऐप बक्सर। बक्सर बहुत अच्छा। बक्सर के चौसा में लॉन्च हुआ है। घर बैठे लोगों को रोजगार उपलब्ध कराना और आत्मनिर्भर बनाना, बहुत बढ़िया। घर बैठे नौकरी मिल जाएगा, बक्सर में मिलेगा। अच्छा अगला बताइए कि फणीश्वरनाथ रेणु के मैला आंचल का अनुवाद किस भाषा में किया जा रहा है? जापानी भाषा में। किसके द्वारा? कौन विश्वविद्यालय? ओसाका विश्वविद्यालय। फणीश्वरनाथ रेणु का सम्मान किस जिले से था? अररिया जिले से। हाल ही में अररिया जिले के किस नर्स को फ्लोरेंस नाइटिंगेल अवार्ड दिया गया है? नाजिया परवीन। अगला है कि जनसंपर्क अभियान किस जिले से स्टार्ट किया गया? कहाँ जाना है आपको मधेपुरा। अगला बताइए कि किस युवा को वैज्ञानिक पुरस्कार 2021 से सम्मानित किया गया है? ये अनुपम है। अनुपम तो उधर था ना, ओम प्रकाश गुजेला जहानाबाद से है। जहानाबाद क्या है? 100% बैंकिंग वाला है। चलिए अगला बताइए कि इंडिया स्टार अवार्ड 2020 के लिए किस युवा का चयन किया गया है? इंडिया स्टार अवार्ड 2020 के लिए किस युवा का चयन किया गया है? संजीव कुमार। वैशाली से संबंध रखते हैं, कृषि में नई तकनीक और उसका प्रचार के लिए मिला है। बिहार में जल जीवन हरियाली योजना के तहत किस जिले ने बेहतर काम किया है? पूर्वी चंपारण। हाल ही में आई रिपोर्ट के अनुसार अटल पेंशन योजना का लाभ उठाने में बिहार का स्थान दूसरा है। केंद्र सरकार की यह योजना प्रति माह 210 जमा करने पर 60 वर्ष के बाद 7,000 रुपए जो की सालाना आपको प्राप्त किया जाता है। अगला बताइए ई श्रम पोर्टल में बिहार का स्थान तीसरा। पहला यूपी, दूसरा पश्चिम बंगाल। बिहार के किस जिले में मंकी पार्क की स्थापना की जा रही है? पटना। अररिया में। इसे रेणु पार्क के नाम से जाना जाता है, क्यों? क्योंकि फणीश्वरनाथ रेणु का यहाँ पर जन्म स्थान है। ऑपरेशन प्रहार का संबंध गिरफ्तारी के लिए। इसके बाद है इतना ही था। और ये होगा।
बताइए कि देश का पहला पशु प्रजनन उत्कृष्टता केंद्र कहाँ उद्घाटन किया गया? पिपराकोटी पूर्वी चंपारण, पिपराकोटी पूर्वी चंपारण। जीआई टैग पाने वाला मखाना बिहार का कौन सा कृषि उत्पाद है? पांचवा। इससे पहले शाही लीची, जरदालू आम, मगही पान, कतरनी चावल को मिल चुका है। पिपराकोटी कहाँ होगा? पूर्वी चंपारण, पिपराकोटी पूर्वी चंपारण। इसके बाद ये कि किस जिले के गोगरडी नगर, गोगरडी नगर पंचायत में कचरा प्रबंधन का अनोखा मॉडल तैयार किया गया? मधुबनी। हाल ही में जारी डेल्टा रैंकिंग में बिहार का कौन सा जिला प्रथम आया है? खगड़िया। ऑपरेशन टोडरमल का संबंध जमीन भूमि सुधार कार्यक्रम, भूमि सुधार कार्यक्रम। अगला प्रश्न, पुस्तक कुछ पानी की जीत मनोज वाजपेयी, कुछ पानी की जीत पीयूष पांडे। अगला प्रश्न बताइए कि नेशनल चॉइस अवार्ड से सम्मानित किया गया किसको? डॉक्टर अभिषेक राज को, नवादा जिले से संबंध रखते हैं, उनकी पुस्तक अंडरस्टैंडिंग द गेम ऑफ लाइफ। नेक्स्ट प्रश्न है कि बिहार में बिहार गुरु डायरी का लोकार्पण किसके द्वारा किया गया? अमरेंद्र प्रताप सिंह कृषि मंत्री है। अगला बताइए कि माखनलाल चतुर्वेदी राष्ट्रीय अवार्ड किसको मिला है? इन्हीं को मिला था, ऊपर बताया था ना, अमरेंद्र कुमार आर्य था, इन्हीं को नहीं मिला, आर्य है, दोनों में ध्यान रखिएगा। अमरेंद्र प्रताप सिंह को क्या है कि बिहार गुरु डायरी का लोकार्पण करने के लिए जाना गया, और अमरेंद्र कुमार आर्य जो थे इनको माखनलाल चतुर्वेदी राष्ट्रीय पत्रकारिता अवार्ड दिया गया। बिहार स्त्री सम्मान से किसको सम्मानित किया गया? डॉक्टर मुकुल कुमार सिंह। मिथिला रत्न पुरस्कार से किसको सम्मानित किया गया? कृष्ण कुमार ठाकुर। और अगला प्रश्न है कि ई निश्चय पोर्टल का संबंध किस विभाग से है? पंचायती राज विभाग। ई निश्चय पोर्टल पंचायती राज विभाग से, पंचायती राज विभाग। चलिए तो यहाँ तक हम लोग कंप्लीट किए, बाकी के पेजेस कल आपको होमवर्क मिलेगा। आपका स्पीडी ग्रंथ ना जो कि मई। चलिए बताइए कि मजदूर दिवस कब मनाते हैं? एक मई को। भारतीय अभिनेत्री को, मैंने किस भारतीय अभिनेत्री को 75वें कांस फिल्म फेस्टिवल में जूरी सदस्य के रूप में नामित किया गया? दीपिका पादुकोण। ठीक है, इसके बाद बताइए कि प्रधानमंत्री जन आरोग्य योजना के तहत 100% परिवारों को शामिल करने वाला भारत का पहला जिला कौन बना है? जम्मू कश्मीर का सांबा जिला, सांबा जिला। नेक्स्ट है कि राजस्थान में मियां का बड़ा रेलवे स्टेशन का नाम बदल करके क्या रखा जाएगा? महेश नगर। हाँ, तो अगला प्रश्न बताइए कि किस देश के लैंडस्केप गार्डन जिसको हम लोग सिटी ऑफ बोर्ले मार्क्स के नाम से भी जानते हैं, यूनेस्को की विश्व धरोहर स्थल का दर्जा प्राप्त हुआ है? ब्राजील। बहुत अच्छा, ब्राजील। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि किस राज्य सरकार ने औद्योगिक निवेश नीति में संशोधन किया? हिमाचल प्रदेश। दुनिया का पहला टैक्सी फ्लाइंग एयरपोर्ट अर्बन एयर वन वर्टिपोर्ट कहाँ बनाया गया? इंग्लैंड में। किस राज्य के मुख्यमंत्री ने मुख्यमंत्री मितान योजना शुरू किया? छत्तीसगढ़। संतोष ट्रॉफी 2022 का विजेता महाराष्ट्र। हाल ही में आई रिपोर्ट के अनुसार भारत के किस राज्य में सर्वाधिक लिंगानुपात दर्ज किया गया? लद्दाख में। किस देश में दुनिया का सबसे लंबा कांच का पुल सफेद ड्रैगन खोला गया? वियतनाम में। अगला बताइए कि भारत का पहला फ्लो केमिस्ट्री टेक्नोलॉजी हब कहां स्थापित किया जाएगा? हैदराबाद में। हाल ही में आई रिपोर्ट के अनुसार भारत की कुल प्रजनन दर घटकर कितने प्रतिशत रह गई है? 2% रह गई है। 62वां स्थापना दिवस मनाया किसने? बीआरओ। मई 1960 में से गठन हुआ था। ये बताइए कि डिफेंडर यूरोप 2022 और स्विफ्ट रिस्पांस 2022 युद्ध अभ्यास किन देशों के बीच हुआ? नाटो देशों के बीच। विश्व खाद्य पुरस्कार 2022 किसको मिला है?
सिंथिया रोसेन रोसेनग्रेज जो कि अमेरिका से है। विश्व रेड क्रॉस दिवस 8 मई को मनाया जाता है। नेतना बीमा योजना का संबंध तेलंगाना। अगला प्रश्न बहुत सिंपल, मंदी के कारण हाल ही में किस देश ने आपातकाल की घोषणा की थी? श्रीलंका। चलिए इसके बाद नेक्स्ट बताइए, 8000 मीटर से अधिक की ऊंची 5 चोटियों पर चढ़ने वाली पहली महिला कौन बनी है? महाराष्ट्र की है। मुख्यमंत्री मुफ्त सीवर कन्वेंशन योजना शुरू की है? दिल्ली। भारत के पहले बायोगैस संचालित ईवी चार्जिंग स्टेशन कहां उद्घाटन किया गया? मुंबई में। अगला है कि किस राज्य सरकार ने सरकारी स्कूलों में मिड डे मील के साथ नाश्ता देने की घोषणा की है? तमिलनाडु। मिड डे मील सबसे पहले तमिलनाडु में स्टार्ट हुआ था। 1995 में हुआ था। चलिए अगला बताइए, 11 मई 2022 को पहले खादी उत्कृष्टता केंद्र का उद्घाटन कहां किया गया? नई दिल्ली। खादी उत्कृष्टता केंद्र नई दिल्ली में। इसके बाद है, कहां एक क्रॉसिंग का नाम लता मंगेशकर के नाम पर रखा जाएगा? अयोध्या में। किस राज्य के मुख्यमंत्री ने लाडली लक्ष्मी योजना 2.0 शुरुआत की है? मध्य प्रदेश। दुनिया की सबसे मूल्यवान कंपनी कौन बनी है? सऊदी अरामको। नाटो साइबर रक्षा समूह में शामिल होने वाला पहला एशियाई देश कौन बना है? दक्षिण कोरिया। भारतीय वास्तुकार को प्रतिष्ठित रॉयल गोल्ड मेडल से सम्मानित किया गया है? बालकृष्ण दोषी। अगला है कि किसे विशेष बांग्ला अकादमी पुरस्कार से सम्मानित किया गया? टमाटर फ्लू का मामला दर्ज हुआ है केरल में। हाल ही में किस राज्य सरकार ने चारा बिजाई योजना शुरू की है? हरियाणा में। अगला है कि त्रिशूल पूरम महोत्सव 2022 कहां मनाया गया? केरल में। टेम्पलटन पुरस्कार 2022 दुनिया का सबसे लंबा सस्पेंशन फुट ब्रिज कहाँ खोला गया? चेक गणराज्य में। उत्कर्ष समारोह कहाँ आयोजन हुआ? गुजरात में। नेक्स्ट प्रश्न हमारा बनता है कि बालिका सशक्तिकरण मिशन की शुरुआत किसने की है? एनटीपीसी। बालिका सशक्तिकरण मिशन की शुरुआत एनटीपीसी ने। पहली बार थॉमस कप किसने जीता? इंडिया, भारत ने। रामगढ़ विषधारी टाइगर रिजर्व को चौथा और देश का 52वां घोषित किया गया कहाँ? राजस्थान में। ई अधिगम योजना की शुरुआत किसने किया है? हरियाणा ने। 16 मई को किस राज्य का स्थापना दिवस होता है? 16 मई को किस राज्य का स्थापना दिवस होता है? सिक्किम। उबर कप किसने जीता है? दक्षिण कोरिया। अगला है कि किसे सर्वोच्च ब्रिटिश मानद पुरस्कार कमांडर ऑफ द ऑर्डर ऑफ द ब्रिटिश एम्पायर से सम्मानित किया गया? अजय पीरामल। सुपोषित महाअभियान राजस्थान के कोटा, ठीक है। अगला बताइए कि किस ब्रिटिश पर्वतरोही ने 16वीं बार माउंट एवरेस्ट फतह किया? केंटन कूल। 53वां अंतरराष्ट्रीय भारतीय फिल्म महोत्सव का आयोजन कहाँ होगा? बांग्लादेश। गोवा। फिल्म महोत्सव का हाल ही में कौन सा संस्करण फ्रांस में आयोजन किया गया? 75वां। किसने ड्यूल मॉडल लोकोमोटिव नवदूत विकसित किया? पश्चिम मध्य रेलवे। चलिए इसके बाद है कि
कैबिनेट ने जैव ईंधन नीति में संशोधन कर इथेनॉल सम्मिश्रण लक्ष्य को कब तक के लिए बढ़ाया है? 25 से 26 ठीक है। किन दो देशों ने औपचारिक रूप से नाटो गठबंधन में शामिल होने के लिए आवेदन किया है? फिनलैंड और स्वीडन ने। किस राज्य के मुख्यमंत्री ने जनता की शिकायतों को निवारण के लिए लोक मिलनी स्कीम शुरू किया? पंजाब। नजरायन झील का संबंध किस राज्य से है? नजरायन झील तमिलनाडु के। या नजरायन झील ने 17वां पक्षी अभियान घोषित किया गया। अगला बताइए कि किस राज्य ने अपना सरकारी ओटीटी मंच लॉन्च किया है? केरल ने। हाल ही में चर्चा में रहा नेचीफू सुरंग किस राज्य में है? नेचीफू सुरंग अरुणाचल प्रदेश। किस राज्य ने 100% विद्युतीकरण लक्ष्य हासिल कर लिया है? गोवा। 100% विद्युतीकरण का लक्ष्य हासिल कर लिया है गोवा। अगला बताइए कि 2022 को विश्व आर्थिक मंच की वार्षिक बैठक कहां शुरू हुई? दावोस में, जहां मुख्यालय है दावोस में स्विट्जरलैंड। इसके बाद है कि नेशनल ज्योग्राफिकल सोसाइटी ने किस हिमालय पर विश्व का सबसे ऊंचा मौसम स्टेशन स्थापित किया है? माउंट एवरेस्ट। इसके बाद ये बताइए कि मंकी पॉक्स के मरीजों के लिए क्वारंटाइन अनिवार्य करने वाला पहला देश कौन बना है? बेल्जियम। स्वास्थ्य सेवा क्षेत्र में ड्रोन लॉन्च करने वाला पहला राज्य? उत्तराखंड। ये बताइए कि भारतीय रेलवे और किस आईआईटी ने भारत का पहला स्वदेशी हाइपरलूप विकसित करने की साझेदारी की है? आईआईटी मद्रास। सिरोही महोत्सव 2022 मणिपुर में। सिरोही महोत्सव 22 मणिपुर में। भारत का पहला ओलंपिक मूल्य शिक्षा कार्यक्रम कहां शुरू होगा? उड़ीसा में। बोंगो सागर का अभ्यास का तीसरा संस्करण भारत और बांग्लादेश। संप्रीति भारत और बांग्लादेश। इसके बाद है जैव विविधता रजिस्टर पाने वाला पहला मेट्रो शहर कौन बना है? कोलकाता। ठीक है, कोलकाता। भारतीय सेना की पहली महिला लड़ाकू एविएटर कौन बनी है? अभिलाषा बराड। परम पुरुल नामक सुपर कंप्यूटर का उद्घाटन कहाँ किया गया? एनआईटी तिरुचिपल्ली। परम पुरुल नामक सुपर कंप्यूटर का उद्घाटन कहाँ किया गया? एनआईटी तिरुचिपल्ली। किसे सर्वोच्च ब्रिटिश सम्मान से सम्मानित किया गया है? किशोर जयरामन। चर्चा में रहा परम योद्धा स्थल कहां स्थित है? नई दिल्ली। ठीक है, परम योद्धा नई दिल्ली। फ्रेंच रिवेरा फिल्म फेस्टिवल में किसे एक्सीलेंस इन सिनेमा पुरस्कार से सम्मानित किया गया? नवाजुद्दीन सिद्दीकी। फॉर्च्यून 500 सूची में प्रवेश करने वाली पहली क्रिप्टो कंपनी कौन बनी है? क्वाइन बेस। केंद्रीय कोयला मंत्रालय द्वारा राष्ट्रीय खनिज कांग्रेस 2022 का आयोजन कहां किया गया? भुवनेश्वर। अंतरराष्ट्रीय बुकर पुरस्कार जीतने वाली पहली भारतीय महिला कौन बनी? गीतांजलि श्री। टॉम ऑफ सैंड के लिए। भारत के सबसे बड़े भारत ड्रोन महोत्सव 2022 का आयोजन कहां किया गया? नई दिल्ली। प्रगति मैदान। लद्दाख के टुकटुक सेक्टर के किस नदी में वाहन गिरने से 7 जवान शहीद हो गए? सियोक नदी। सिंधु की सहायक नदी है। लेवेंडर महोत्सव का आयोजन जम्मू कश्मीर में। बिना ऑक्सीजन सपोर्ट के माउंट एवरेस्ट फतह करने वाली पहली भारतीय महिला? प्याली बसाक। कि ग्लोबल ऑर्गेनिक एक्सपो 2022 कहां शुरू हुआ है? नई दिल्ली में। किस राज्य को शिक्षा के क्षेत्र में स्कॉच अवार्ड मिला है? पश्चिम बंगाल। बहुत अच्छा।
उत्तर भारत के पहले औद्योगिक बायोटेक पार्क का उद्घाटन कहाँ किया गया? चंडीगढ़। जम्मू कश्मीर के कठुआ में। उत्तर भारत के पहले औद्योगिक बायोटेक पार्क का उद्घाटन जम्मू कश्मीर के कठुआ में। चलिए तो यहाँ पे हम लोग का मई का जितना भी इम्पोर्टेंट था कवर कर लिए, और बाकी के आप वीडियो एक बार देख लीजिएगा जो कि यूट्यूब पे ऑलरेडी डाला गया, और वहां से आपका सारा मई वाला कम्प्लीट हो जाएगा। चलिए अब हम बात कर लेते हैं बिहार के एक और टॉपिक था जो कि खनिज दिए गए थे हम। खनिज और जिला। हाँ, बिहार से प्राप्त प्रमुख खनिज और जिला। देखिए ये जो रिपोर्ट आया है इंडियन मिनरल ईयरबुक 2021 के अनुसार यहाँ पे, तो बताइए कि मैग्नेटाइट किस जिले में ज्यादा देखने को मिलता है? मैग्नेटाइट गया। और फेल्सपार? गया। और अगर हम बात करें कि गैलियम? गैलियम भी गया। गैलियम गाजीपुर नहीं बोल रहे हैं, गैलियम कैमूर। कैमूर हाँ, जैसे टाइटेनियम। टाइटेनियम गया। कैमूर टाइटेनियम कैमूर। वेनेडियम याद रख लीजिए। टाइटेनियम से टाई याद रख लीजिए, वेनेडियम का वै और गैलियम का ग, टाई और बैग। जब टाई और बैग लेते हैं तो कहाँ पीछा रहता है, तब कहीं दूर जाना होता है ना, दूर यानी कि कैमूर, दूर याद रखिए। टाइटेनियम वेनेडियम गैलियम सब कैमूर। और मैग्नेटाइट गया था, फेल्सपार गया था, क्रोमियम तो याद कैसे किए हम लोग? अगर मैं फेल हुआ तो समझो कि मेरे हाथ से क्राउन गया, क्राउन मतलब ताज। अब यहाँ समझिए, अगर मैं मतलब मैग्नेटाइट फेल हुआ, फेल मतलब फेल्सपार, और क्राउन का मतलब क्रो हाथ उठाएगा क्रोमियम लगाने के लिए, क्रो तो गया। अगला है कि अब्रक कहाँ मिलता है? नवादा। नवादा माइक में लोग वादा करते हैं आजकल, किए हैं ना कभी? अब्रक यानी माइका कहाँ पर? नवादा। वैसे भी नेता लोग बहुत वादा करता है माइक के सामने खड़ा था जी। अगला देखिए ग्रेनाइट कहाँ मिलता है? भागलपुर। भागलपुर ग्रेनाइट भागलपुर लेकर आ गया। और हेमेटाइट? हेमेटाइट भागलपुर गया। हेमेटाइट गया। मैग्नेटाइट फिर भागलपुर गया ना, सॉरी। देखिए हेमेटाइट जो होगा ना, हेमेटाइट वो आपका भागलपुर होगा। हेमेटाइट भागलपुर, हेमेटाइट भागलपुर और मैग्नेटाइट गया। कहां पता था हेमेटाइट को भाग गया था। सही है, बड़ा सही है, बहुत अच्छा। कैसे याद कर लिया? याद कर लेना, याद कर। अब देखिए सीसा की बात करें तो सीसा बताया मुझे, सीसा रोहतास। रोहतास ठीक है। और जिंक? जिंक हो गया आपका बांका। बांका यानी कि रोहतास लेजी बांका। रोहतास लेजी बांका जी बात। अगला में देखिए कि सोना। सोना जमुई बता रहे थे तरीके सब इसी में तीनों डिस्ट्रिक्ट देता तो जमुई। हां हां, और भी डिस्ट्रिक्ट है लेकिन फेमस आपको सबसे ज्यादा यहां का प्रमिल है, उसे तो सब मिला है जमुई पटना। तो अगला है पायराइट्स। मुंगेर रोहतास देता है लेकिन मुंगेर ज्यादातर है। अगला है कि सोरा। सोरा बेगूसराय विद्रोह हुआ था, दुनिया विद्रोह कब से कब? 1778 से 1800 तक। 1778 से 1800 तक। चलिए अगला है कि खनिज तेल। रोहतास। यूरेनियम गया। क्वार्टजाइट गैरों के क्वार्टर में नहीं जाना चाहिए, ना ही गैरों का बक्सा चुनना चाहिए। क्वार्टजाइट मुंगेर हो गया। और डोलोमाइट। डोलोमाइट अच्छे से एक बार याद कर लीजिएगा और वीडियो को देख करके। अगर हम बात करें चीनी मिट्टी, भागलपुर में बताए रोहतास, चूना पत्थर रोहतास और कैमूर दोनों है। और क्वार्ट क्वार्ट क्वार्टजाइट की बात करता हूँ सिलिका
मुंगेर। चलिए तो ये भी हमारा कंप्लीट हुआ। तो फ्रेंड्स उम्मीद करते हैं कि आप लोगों को ये वीडियो अच्छा लगा होगा। अगर वीडियो अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक एंड शेयर कर दीजिएगा, चैनल पर पहली बार है सब्सक्राइब करिएगा। जो होमवर्क रहेगा आपको टेलीग्राम पर मिल जाएगा, तो टेलीग्राम ज्वाइन करके लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन में दिया है। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। थैंक्स फॉर वॉचिंग।